भारती विद्यार्थी परिषद की तरफ से कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हमें, जिसे प्रिंसिपल सर से हमने अवगत कराई उन प्रॉब्लम्स को, कि हमारे कॉलेज में सैनिटरी नैपकिन मशीन जो है वो चालू नहीं है, उस कॉलेज में सफाई नहीं है, कैंटीन में सफाई नहीं है, हमारे स्पोर्ट्स कोच नहीं है जो कि बहुत ज़रूरी है छात्राओं के लिए, जिम भी हमारा चालू नहीं है, बाहर मेन गेट पर CCTV फुटेज नहीं है। उसकी वजह से हमने आज सर को, हमारी समस्याओं को लेकर, छात्राएँ जो हमारे पास आती हैं उनको लेकर हमने सर को प्रॉब्लम से अवगत कराया है। हमने कहा है कि 7 दिन में हमारी सभी मांगें पूरी की जाए वरना हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। सर ने हमें आश्वासन दिलाया है कि ये सब मांगें पूरी की जाएगी। इसमें से 2-3 चीज़ें उन्होंने बताई भी है कि वो इस पर वर्क कर रहे हैं। तो अब ये कितने समय से समस्याएं चल रही है? ये काफ़ी समय से समस्याएं चल रही है। हमने स्पोर्ट्स कोच की भी काफ़ी बार सर को नॉर्मली बोला है, सर ने कहा है अब ये कि इस पर काम चल रहा है, उन्होंने बात करी है। कॉलेज के बाहर स्पीड ब्रेकर जो कि बहुत ज़रूरी है, आए दिन वहाँ कोई ना कोई एक्सीडेंट होते रहते हैं, वो भी हमने सर को बताया है, उस पर भी वर्क हो रहा है। आगे सर ने फाइल दे दी है। दिव्या उजवानी, इकाई अध्यक्ष, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर।